ये जो ऊपर हमने आपको दे रखा है ना, ये वाला जो सिंबल ये कोड होता है, ठीक है। अगर आपको कभी सर्च करना हो तो इसको स्कैन कीजिए और सीधे आप जो है उसी लेक्चर पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। QR कोड बोलते हैं इसको। तो आज का जो लेक्चर है J2063 आपका कोर्स है, उसकी सेकेंड यूनिट है और आठवां लेक्चर आपका, ठीक है। आठवां लेक्चर का जो टॉपिक है वो है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ ट्यूलिप। तो आज हम ट्यूलिप के बारे में जानेंगे कि ट्यूलिप क्या है। तो वी विल डिस्कस अबाउट ट्यूलिप कल्टीवेशन इन द फॉलोइंग हेडिंग्स। द फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन, देन क्लाइमेट एंड सॉइल, वैरायटीज, प्रोपगेशन, प्लांटिंग, एप्लीकेशन ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, फ्लावर हार्वेस्टिंग, बल्ब हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज एंड प्लांट प्रोटेक्शन, ठीक है। तो इन टॉपिक्स पे जो है हम लोग आज बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। दिस इज द फील्ड ऑफ ट्यूलिप फार्म। आपको आइडिया लग रहा होगा कितना बढ़िया और कितना सुंदर जो है इसका फ्लावर्स होता है, और जो है हम लोग अभी तक क्यों नहीं जान पाए, है ना, ये भी सोच रहे हम लोग। तो अगर हम ट्यूलिप की बात करें तो ट्यूलिप इज फर्स्ट अमंग बल्बस ऑर्नामेंटल ड्यू टू इट्स अट्रैक्टिवली कलर्ड एंड एग्जीक्यूटेड फ्लावर्स। तो इसका जो बल्बस प्लांट्स जो है, बल्बस क्रॉप है ये, और इसमें जो अट्रैक्टिव कलर्स के, डिफरेंट कलर्स के, बहुत सारे कलर्स के जो इसमें फ्लावर्स जो है वो होते हैं। इन इंडिया इट्स कल्टीवेशन सो फार इज लिमिटेड। हमारे यहाँ देश में जो है इसकी खेती जो बहुत जो है कम, ये कहें कि क्षेत्र जो है बहुत लिमिटेड है, ठीक है। जैसे कि कुछ जो है कॉमर्शियल जो ग्रो कर रहे हैं, गार्डनर्स जो इसको हम बोलेंगे, है ना, तो वो जो है हिली एरियाज में जैसे कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, ठीक है, दो जगह हैं जहाँ पर कि इसकी खेती जो है व्यवसायी लोग जो है वो करते हैं। ट्यूलिप्स आर सुटेबल फॉर पॉट कल्चर इन बैड्स, बॉर्डर्स, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लोकेशन। तो ये जो है पॉट में भी इसको उगा लेते हैं, बैड में भी कर सकते हैं, बॉर्डर पे लगा सकते हैं, और फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लोकेशंस जो है वहाँ पर भी जो है हम इसको ग्रो करते हैं। दे आर ऑल्सो सुटेबल फॉर ग्रोइंग इन बेसिन, नेपल्स, ऑर्चर्ड्स।